बढ़ेंगे आगे कानपुर से एक और खबर, जहां मां और बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में फंदे पर मिला है महिला का शव, महिला के बच्चे का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मामले की जांच में कानपुर पुलिस जुट गई है। कानपुर के मसवानपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मां और बच्चे की मौत से हड़कंप मचा। फंदे पर लटका हुआ महिला का शव मिला, तो वहीं महिला के बच्चे का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। किन परिस्थितियों में ये मौत हुई है, क्या महिला ने खुदकुशी की है, इसके कारण क्या है, परिवार के अन्य लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये दर्दनाक खबर, जहां मां और बच्चे की मौत हुई है। और इस बीच मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। सपा महासचिव राम गोपाल के भांजे को जेल की खबर है। गैंगस्टर एक्ट में फरार बिल्लू यादव को जेल हुई है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिल्लू को जेल भेज दिया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिल्लू पर घिरोर थाने में दर्ज था केस, जहां एसपी मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने मामले की जानकारी दी है। मैनपुरी उपचुनाव के बीच ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल के भांजे को जेल हुई है। गैंगस्टर एक्ट में फरार बिल्लू यादव को जेल भेजा गया है। कोर्ट में सरेंडर के बाद बिल्लू को अब जेल भेज दिया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिल्लू पर घिरोर थाने में केस दर्ज था, और अब एसपी मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने इस मामले में जानकारी दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।